एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? अभी सुबह के बज रहे हैं 8 बज रहे हैं, बट मैं मॉर्निंग 6:30 उठ गई थी, जैसे आप लोग को पता है, ऑफिस के वर्क के लिए। सो यस, अभी मैं उठी हूँ एंड अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी एंड देन आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ इस ब्लॉग में मिलने वाली है। सो गाइस, इस ब्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। मेरा व्लॉग देखा होगा, मैं उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम था। सो यस, जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ अपना इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ के लिए। जब मैं रेडी होती हूँ या मैं कहीं भी जाती हूँ, यूजुअली मैं कैसे मेकअप करती हूँ, मतलब मैं मेकअप करना नहीं बताऊँगी, वो अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं वो भी आपको बता दूँगी। यस, मैं आज आपको अपने मेकअप प्रोडक्ट्स बताऊंगी। सो यस, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। हाय गाइस, यस, सो गाइस मैं आपको एक एक करके प्रोडक्ट्स अपने बताती हूँ। सो गाइस, ये है फाउंडेशन मैट का, फिट मी। यस, फिट मी का फाउंडेशन है गाइस। मैंने ये फर्स्ट टाइम फाउंडेशन यूज किया एंड इट वॉज अमेजिंग। ये इतने अच्छे से आपके फेस पे ब्लेंड होता है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। इट इज रियली रियली अमेजिंग। सो गाइस, आप देख रहे हो फिट मी का फाउंडेशन। सो यस गाइस, इट इज अमेजिंग गाइस। सो आप लोग प्लीज इसको जरूर चेकआउट करिएगा। इट इज अमेजिंग प्रोडक्ट गाइस। यस, एंड अगर आपको मेरा पूरा मेकअप कुछ चाहिए हो तो मैं आपको वो भी अपने नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी, बट आपको मुझे कॉमेंट करके बताना होगा, ठीक है? तो ये है मेरा फाउंडेशन जो मैं यूज़ करती हूँ अगर मुझे कहीं भी आउटिंग के लिए जाना होता है या किसी भी पर्पज़ के लिए जाना होता है। एंड गाइस, ये है कलर बार की लिपस्टिक। यस, इट्स पिंक शेड गाइस, ये देखिए आप, और मैंने ही लगाया भी है। पिंक शेड एंड ये ग्लॉसी शेड है, ग्लॉसी एंड गाइस ग्लॉसी शेड लाइक ऑसम। ये आप देख रहे हो कलर बार की लिपस्टिक है एंड इसका क्या है, ए ब्लूम बॉन्ड टू ग्लो लिप कलर पॉइंट्स। आई होप आपको दिख रही होगी। यस, ये है कलर बार की लिपस्टिक एंड यस एंड गाइस, ये है मेरी मैक की लिपस्टिक। इट वॉज वेरी कॉस्टली, इट इज अराउंड 1700। बस यस, ये कलर मेरे पास मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, तो दिस कलर इज रियली नाइस। ये है 626 वर्ल्ड मेड मैट लिपस्टिक। यस, मैट लिपस्टिक है गाइस, ये देखिए। और इसका कुछ ऐसा लुक है बाहर से दिखने में, एंड मैं आपको सब कलर दिखाती हूँ। चॉकलेटी कलर का है, यस, कुछ चॉकलेटी शेड में है गाइस ये। हाँ जी, चॉकलेटी शेड में है एंड यस, एंड दिस इज फ्रॉम बेबलिन। ये मैंने 2 साल पहले लिया था, नहीं 2 साल नहीं, 1 साल पहले लिया था। यस, दिस इज न्यू कलर, आप दिखाते हो, दिस इज न्यू कलर और ये है 655 वेरिंगली न्यू। यस, बेबलिन की लिपस्टिक। सो इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी थी गाइस, एंड ये न्यूड कलर है, मैं आपको कलर दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं कलर,
Yes, this is nude color. Yes. And third one lipstick is also from Maybelline. It has zyada products ki, kuch hi products hai makeup ke. And this is 21 Mauve 8. Yes, 72S103. It's the code number hai here, kuch hoga shade number. Yes, this color is purple. Yes, मुझे तो purple ही लग रहा है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ. Yes, third one. Yes, this color is purple and this color is also nice, guys. आपको दिखाती हूँ last six color. So guys, ये है color. आप लोग देख रहे हो ये कलर. एंड दिस वन इज़ न्यूड जो मैंने आपको दिखाया, एंड दिस वन इज़ चॉकलेट जो मैंने आपको दिखाया मेबलिन का. सो यस, दिस इज़ द कलर ऑफ ऑल द लिपस्टिक. सो गाइस, इट्स वेरी नाइस, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक्स हैं. बट मेरी बेस्ट पता है अब तक की कौन सी है, मैं आपको जेन्युइनली बताती हूँ. कलर बाकी इतनी स्मूथ लिपस्टिक है गाइस, मतलब आपको लगाने के बाद फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया है. इट इज अमेजिंग प्रोडक्ट. नाउ मूव ऑन टू दी माय आई शैडो पैलेट. यस, मैं कलर बार का न्यू 12 पैलेट यूज करती हूँ. आप लोग देख सकते हो इट्स कलर बार का न्यू पैलेट. एंड इसमें ये सारे आपके कलर्स पीछे मेंशन है. मैं आपको कलर दिखाती हूँ. यस, इसमें अंदर मिरर भी है गाइस. सो पास से देखिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा. इसमें एक मिरर है गाइस, एंड इसमें आपको एक प्यारा सा ब्रश दिया गया है. एंड मैं यही यूज़ करती हूँ ब्लेंड करने के लिए. इट्स वेरी 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 गुड. एंड आप ये कलर देख सकते हैं, दिस इज़ अमेजिंग लाइक फॉर गर्ल्स. मतलब पार्टी के लिए आप ऑफिस जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आपके लिए ये न्यूड कलर शेड इट इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट गाइज, अमेजिंग. सो आई होप आप लोग प्लीज़ इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा गाइज, इट इज़ अमेजिंग. इसकी पैकेजिंग देखिए, हाउ सो क्यूट पैकेजिंग, कितनी क्यूट पैकेजिंग है. आई एम इन लव विद दिस. यस, गाइस ये है, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है आई लाइनर. स्विस ब्यूटी का आई लाइनर है गाइस. इससे पहले मैं ये कौन सा यूज़ करती थी, ग्लॉसर का. मतलब ये भी ठीक था, बट गाइस जब से मैंने ये परचेज किया है ना, ओ माय गॉड, मैं इस काजल को तो भूल गई हूँ बिल्कुल. सॉरी, इस आई लाइनर को तो मैं आपको दिखाती हूँ. ये स्विस ब्यूटी का आई लाइनर है, आप देख सकते हो. सो गाइस, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ. वाओ गाइस, ये देखिए कितना स्मूथ, ये इजीली, कितना इजीली ये लग रहा है. ये देखिए, तो सोचिए मैं इसको जब आइस पे लगाती हूँ ये इतना प्यारा लगता है. एंड लुक एट द आइस, मैंने आइस पे भी वही लगाया हुआ है. आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट यस, मैंने आइस पे वही लगाया है. एंड दिस इज अमेजिंग आइस, अमेजिंग. यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू माई, इसको क्या कहते हैं, क्या मुझे याद नहीं आ रहा, कंसीलर. सॉरी, यस कंसीलर. ये है मेबलिन का फिट मी कंसीलर, आप देख रहे हो गाइस. यस, मेबलिन का फिट मी कंसीलर. एंड इसका शेड नंबर है 15 फेयर. मेरा जो शेड नंबर है वो है 15 फेयर. सो गाइस, मैं आपको बताऊँ, मेबलिन का कंसीलर इज़ अमेजिंग कंसीलर. सो आपके जो भी डार्क एरियाज हैं या कुछ भी है, ये इजीली आपके जो स्पॉट्स हैं वो आपको सब रिमूव कर देगा. तो दिस वन इज अमेजिंग. यस यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू दी लैशेस. यस, लैशेस.
ये है Maybelline का लैश सेंसेशनल वाटरप्रूफ कंसीलर, नॉट कंसीलर, सॉरी गाइस। सो गाइस ये आप देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, Maybelline का आई लैशेज़ के लिए। मतलब ये आपकी आईज़ को काफ़ी अच्छा कर देता है एंड काफ़ी अच्छा लुक देता है गाइस। ये मैंने फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट यूज़ किया है एंड दिस इज़ अमेजिंग गाइस, प्लीज़ गो फॉर इट गाइस। बिल्कुल बिना सोचे समझे आप इसको ले लीजिएगा एंड ये बहुत ही अच्छा है। सो गाइस बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, प्लीज़ गो फॉर इट, गो फॉर इट। एंड यस हाँ गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम शुगर का मिनी ब्लश यूज़ किया है, मैंने फर्स्ट टाइम शुगर का प्रोडक्ट यूज़ किया है एंड दिस इज सो प्रिटी कलर, कॉन्टोर डी फोर्स मिनी ब्लश एंड इसका नंबर है 02 पिंक पिनाकल। यस एंड ये है इसकी पैकेजिंग गाइस, और ये कलर आप देख रहे हो, कलर पिंकिश पिंकिश, मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर, ये देखिए गाइस बहुत ही प्यारा कलर है ये देखिए। जब आप इसको फेस पे लगाओगे, मैंने लगाया हुआ है, जब आप इसको फेस पे लगाओगे कि आपका फेस इतना प्यारा पिंकिश पिंकिश सा हो जाता है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। इट्स वेरी गुड पैलेट। एंड यस गाइस, मैं आईब्रोज बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्रो किट। वाओ यस गाइस, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो, आईब्रो एक आपको अच्छे से शार्प करने के लिए, ताकि आपकी आईब्रोज बोल्ड लगे, आप कहीं भी जाओ। सीरियस गाइस दिस इज अमेजिंग, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इट लुक्स लाइक दिस। सो आप ये इसकी पैकेजिंग देख रहे हो, ये आपका ब्रश मिलता है आपको साथ में इसके, एंड देन ये आपको कुछ आईब्रो सेट करने के लिए आपको कुछ प्लकर टाइप का मिलता है एंड इसके 3 शेड्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ 3 शेड्स इसके क्या है। एक है ब्लैक, एक है ब्राउन एंड ये वाइट। कुछ मतलब आईब्रो सेट करने से पहले आप इसको यूज़ करेंगे, आप आईब्रो लिक्विड टाइप का ये इसको सेट करने के लिए होता है। जनरली मैं ब्लैक यूज़ करती हूँ आईब्रो को शेप देने के लिए, एक शार्प करने के लिए, बट मैं फिलिंग ब्राउन से करती हूँ, तो आपको जो सही लगे आप उसके साथ फिलिंग करिए, या ब्लैक या ब्राउन। सो गाइस इससे बहुत ही अच्छा शेप आता है आईब्रोज का। सो यस दिस लुक्स लाइक दिस। यस लेट्स मूव ऑन टू द अनदर प्रोडक्ट, ये है हाइलाइटर प्लस ब्लशर, यस बोथ वर्क। ये है गाइस मेकअप रिवोल्यूशन का यस ब्लशर एंड हाइलाइटर। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी पैकेजिंग, दिस इज पैकेजिंग। सो गाइस आप इस पे कलर देख रहे हो, मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन सा ब्लशर है और कौन सा, दिस वन इज़ हाइलाइटर, दिस वन इज़ ऑल्सो हाइलाइटर एंड दिस वन इज़ ब्लशर। सो आप गाइज मैं आपको बताती हूँ, इसको ना आप आइस पे भी यूज़ कर सकते हो एज अ आई शेडो की तरफ। सो इट इज़ ऑल्सो लुक अमेजिंग गाइज, इसका बहुत ही प्यारा कलर है, आप टेक्स्चर देखिए इसका, ग्लॉसी ग्लॉसी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा कलर है। सो यस दिस इज़ माई अनदर प्रोडक्ट। यस गाइज मैं काजल कौन से यूज़ करती हूँ, ग्लॉसर का काजल, जो बहुत ही कॉमन है, जो आप सब भी यूज़ करते हो कि ग्लॉसर का काजल। एंड यस आई हैव वन मोर लिपस्टिक, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम Maybelline लिप ग्रेजुएशन एंड दिस इज पेंसिल लिपस्टिक। सो गाइस आप ये कलर देख रहे हो डार्क पिंक, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस ये है कलर डार्क पिंक, वाओ गाइस ये बहुत ही प्यारा कलर है, आप कहीं भी बाहर जाते हो तो ये कलर आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो या गाइस दिस इज दैट्स इट, मेरे पास इतने मेकअप प्रोडक्ट है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, जो भी मैं डे टू डे रूटीन में कहीं बाहर जाती हूँ, पार्टी जाती हूँ या अपने फ्रेंड्स से मिलने जाती हूँ, मैं यही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। सो या अगर आपको ये मेरा वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यस मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट आप
आपको कौन सा लगा एंड आप लोगों ने ये प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं कि नहीं, एंड आपको कैसा ये यूज़ रहा, आपने किस तरीके से यूज़ किया, या आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स सबसे बेस्ट लगे हैं। तो यार दैट्स ऑल एंड गाइस प्लीज़ थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा ना, एंड यस शेयर ज़रूर करिएगा यार, शेयर तो बनता है यार, शेयर तो बनता है। सो यस आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।